देवरिया में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, टीईटी परीक्षा में धांधली करने वालों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। नमस्कार, यूएफटी लाइव के साथ मैं हूं प्रिया कौर। देवरिया रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाटपार रानी तहसील अंतर्गत स्व श्री रघुनाथ सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज बहियारी बघेल में स्वर्गीय श्री रघुनाथ सिंह की मूर्ति का लोकार्पण एवं ₹20,092.31 लाख की लागत की 412 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण के शिलालेख का अनावरण बटन दबाकर किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज का सपना प्रदेश सरकार के प्रयासों से संभव हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए जिन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाया है, आज उनका परिणाम है कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और उसका लाभ, सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। आजादी के बाद 2017 तक उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे और पिछले 5 वर्ष के दौरान भारत सरकार की मदद से प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। बीआरडी कॉलेज गोरखपुर में सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक की स्थापना हुई है और साथ साथ एम्स का भी, जिसे प्रधानमंत्री अगले महीने में उद्घाटन करने जा रहे हैं। लोकार्पित शिलान्यास परियोजनाओं में सड़क, बिजली की परियोजनाएं सहित स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा से जुड़े हुए परियोजनाओं के प्रोजेक्ट भी हैं और साथ साथ भारत के आन बान और शान के प्रति, आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव भी है। बच्चों का जो आई कार्ड होगा, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से बच्चों को प्राप्त होगी, ये सुविधा तो। लेकिन जिन जिन लोगों ने ये शरारत की है, वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है, उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। भाइयों बहनों, सरकार ईमानदारी के साथ शासन की योजना हर एक नौजवान तक, हर एक गरीब तक, हर एक किसान तक और हर एक महिला तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्ध रूप से कार्य कर रही है। आज विपक्ष के लोग, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा कोरोना काल। यूएफटी लाइव के लिए देवरिया से ज्ञानेश्वर बर्नवाल की रिपोर्ट।